तो अब आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है तो इस टाइम में आप लोगों को वो प्रश्न पढ़ना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला होता है। तो यहां पर आप लोगों को क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और जितने भी प्रश्न हम आज लेकर आए हैं वो सारे प्रश्नों को पढ़ करके आपकी जो है तैयारी इंप्रूव होगी और आप एग्जाम देने के लिए लायक जो है काफी शानदार तरीके से हो जाएंगे। और सभी सब्जेक्टों में इसी तरीके से लेकर आने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो को देख लेते हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि सत्संग में किसकी अभिरुचि थी, तो सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। तो यहां पर एक नंबर का आंसर क्या होगा, तो एक नंबर का बी नंबर, बी नंबर में क्या है यानी सूरदास में अभिरुचि थी, सूरदास को अभिरुचि थी। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा, तो कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का, तो दूसरा का राइट आंसर डी नंबर यानी कोमल, क्या होगा कोमल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन नंबर क्या बोला जा रहा है, शेष शब्द का विलोम होगा, तो शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो तीन नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी अवशेष का होगा, अवशेष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह नंबर क्या बोला, चार नंबर कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापन किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा चार नंबर का, तो चार का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर यानी 16 वर्षों, क्या होगा सॉरी 15 वर्षों तक राइट आंसर का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला, पांच नंबर कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा पांच नंबर का, तो पांच नंबर का आंसर बी नंबर यानी शिव, क्या होगा शैव राइट आंसर हो जाएगा, शिव का उपासक क्या होगा शैव कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर छह नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकवि है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकवि का नाम क्या है, तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा छह नंबर का, तो छह का राइट आंसर ए नंबर यानी कमायनी, क्या नाम था कमायनी नाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, सात नंबर कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम शब्द होगा, तो दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो सात नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो श्री नंबर, श्री नंबर में क्या होगा स्वच्छ राइट आंसर श्री नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, तुमुल कोलाहल कलह में, क्या होगा तुमुल कोलाहल कलह में राइट आंसर क्या होगा श्री नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग को पूरी तरीके से देखना है, यहाँ से आप लोग को ये सारे प्रश्न में लेकर आया हूँ, वो सारे प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर निकेतन होता है। ठीक है, यानी क्या होगा निकेतन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी ठहराव, क्या होगा ठहराव राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम क्या है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा श्री नंबर, श्री नंबर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा श्री नंबर, श्री नंबर में क्या है यानी वाला जो है क्या है यानी प्रत्यय है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि कौरव शब्द में प्रत्यय है, तो कौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी रब, रब जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो यानी दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो यहां पर हमारा 14 नंबर का कैरेक्टर जो आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, क्या होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर में क्या पोज और अन हो जाएगा, क्या होगा पोज और अन 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 16 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो बी नंबर में क्या होगा यानी उत्जोर योग, क्या होगा उत्जोर योग राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी रोज का, क्या हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला 18 नंबर कह रहा है कि वह कुल्हारी से वृक्ष काटता है, कारक है, तो वह कुल्हारी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर कारण, क्या होगा कारण राइट आंसर यानी कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि आनंदमय शब्द कौन समास है, तो आनंदमय शब्द जो है कौन समास है, तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर क्या है तत्पुरुष समास है, क्या होगा तत्पुरुष समास राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, करें गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, तो गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था यानी किसने जला दिया था, तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा श्री नंबर यानी श्री नंबर क्या है एमएन साहब के कर्मचारियों ने, एमएन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी ये कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर, ए नंबर क्या है पुरुषवाचक, क्या होगा पुरुषवाचक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब यहां देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहां पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी उप राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाए, 23 नंबर कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, तो सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, तो यहां पर हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो बी नंबर, बी नंबर क्या मोहन राकेश, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, तो यहां पर बार बार ये सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं, बट ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चंचल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नहीं सत्य जोर चित्त जोर आनंद, राइट आंसर श्री नंबर, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से आप लोग को पूरे वीडियो को देखना है, अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग गूगल में जाना है, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, वहां पर आप लोग को सारा चीज मिल जाने वाली है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए 26 नंबर क्या करेगी, लिट बेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो लीड बेटर के नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर नहीं विश्व शिक्षक, क्या होगा विश्व शिक्षक, राइट आंसर श्री नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर क्या होगा, नहीं सागर मध्य प्रदेश, क्या होगा सागर मध्य प्रदेश, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बोल सकते हैं, तो इसका आंसर बी नंबर क्या है, नहीं गांव का घर, क्या होगा गांव का घर, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि गाल छूटना मुहावरे का अर्थ है, तो गाल छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जल्दी से बताने आप लोग को श्री नंबर, नहीं क्या होगा पिंड छूटना, पिंड छूटना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां अनिष्ट की आशंका होना, क्या होगा अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि मोपासा कहाँ के थे, तो मोपासा जो ये कहाँ के थे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 32 नंबर का बी नंबर क्या, यानी फ्रांस का, राइट आंसर क्या होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दिवाली शब्द संज्ञा है, तो दिवाली शब्द संज्ञा कौन सा संज्ञा है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर का, तो 33 का आंसर बी नंबर, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है व्यक्तिवाचक है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पेशगी के लेखक है, तो पेशगी के लेखक कौन है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो डी नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से बोलिए हेनरी लोपेज, क्या होगा हेनरी लोपेज, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं, तो यहां पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोल सकते हैं, तो डी नंबर क्या, यानी 8, क्या होगा 8, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है कि वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, तो वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता सकते हैं आप लोग, तो 36 नंबर का ए नंबर होगा, क्या होगा निषेध वाचक, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा, तो यहां पर 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर क्या, लेव तोल्स्टॉय, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी लेव तोल्स्टॉय, क्या होगा लेव तोल्स्टॉय, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यहां क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनुभव शब्द है, तो अनुभव कौन सा शब्द होगा, तो यहां पर जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जल्दी से आप लोग भी बोलिएगा, तो यानी बी नंबर क्या, पुलिंग, क्या होगा पुलिंग, राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव क्या है पुलिंग है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मनोविनोद शब्द का लिंग निर्णय करें, तो लिंग जो है आप लोग को बताने हैं क्या होगा, इसका पुलिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा, तो यहाँ पर ए नंबर यानी पुलिंग, क्या होगा मनोविनोद, क्या होगा यानी पुलिंग, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, तो एक गिलास पानी लाओ वाक्य, इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो इसका राइट आंसर श्री नंबर आज्ञावाचक, यानी आज्ञा देता है, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 41 नंबर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखने और जवाब फटाफट से देने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोला जा रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर, यानी रवि जोर इंद्र, क्या होगा रवि जोर इंद्र, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेंगे, तो बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या है जिज्ञासु, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 44 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, तो यहां पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर छायावाद, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार है, तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी तुलसीदास, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी विदुर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीरी मार कौन सा शब्द है, तो चीरी मार जो है कौन सा शब्द होगा, तो यहां पर 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी तत्पुरुष समास, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो यहां पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या है, सूरदास, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर क्या बोला जा रहा है, परगीत और समाज किनकी रचना है, तो परगीत और समाज जो है किनकी रचना है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी नामवर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का बी नंबर, भगत सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, यानी कहानीकार कौन है, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे यानी पूरे तरीके से आप लोगों को पूरे वीडियो देखना है। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 52 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का जो नायक है, तो यहां पर देख लीजिए निम्नांकित में कौन जो है उसने कहा था शीर्षक के नायक है, तो यहां पर 52 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या है, यानी लहना सिंह, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, चरित्र प्रधान, क्या होगा, चरित्र प्रधान, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 54 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो 54 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी हिंदी प्रताप, क्या होगा, हिंदी प्रताप, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो यहां पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी ललित निबंध, क्या होगा, ललित निबंध, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि ओस दानीराय के लेखक कौन है, तो ओस दानीराय के लेखक कौन है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 57 नंबर कह रहा है कि ओस दानीराय किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग भी, क्योंकि ये बार बार पढ़ चुके हैं, तो गंडक नदी, क्या होगा, गंडक नदी, राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, तो अर्धनारीश्वर निबंध जो प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या है, 1952, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी उर्वशी, क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जाए, 60 नंबर कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहां पर 60 नंबर का आंसर क्या होगा, श्री नंबर, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय, राइट आंसर श्री नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बोला जा रहा है करेगी भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, तो यहां पर 61 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या है, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, 62 नंबर कह रहे कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र जो है यहां पर कौन सा, तो इसका राइट आंसर यानी 62 का ए नंबर, यानी बिश्नी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बिश्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा यानी किसकी प्रतीक्षा थी, तो यहां पर होना चाहिए किसकी होना चाहिए, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी मानक को यानी चिट्ठी की, मानक को चिट्ठी के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो यहां पर हमारा क्या होगा ए नंबर, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे, तो नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादक किया, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी आलोचना, क्या होगा, आलोचना, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर बोला जा रहा है कि जूठन किनकी आत्मकथा है, तो जूठन जो है किनकी आत्मकथा है, तो यहां पर 66 का राइट आंसर बी नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो 66 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, तो ए नंबर, यानी कलीराम, क्या नाम था, कलीराम नाम था। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 68 नंबर का ए नंबर, यानी मलयज, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं, यानी कहानीकार कौन है, तो यहां पर जो हमारा 69 का राइट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में क्या है, उदय प्रकाश, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहा है, फटाफट से देखेंगे, त्रिच है, तो त्रिच क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, त्रिच जो है यानी एक क्या है, यानी विषैला और भयानक जंतु का नाम है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि
तुलसीदास कैसे कवि थे, तो तुलसीदास कैसे कवि थे, तो 71 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर यानी यानी सामान्यवादी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, अब संबोधन किसके लिए है, तो यहां पर 72 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी सीता के लिए है, क्या होगा, सीता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्या बोल रहा है, भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो किसकी रचना है, तो यहां पर राइट आंसर ए नंबर नाभादास राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूषण किस काल के कवि हैं, तो भूषण जो है किस काल के कवि, तो यहां पर 74 का राइट आंसर डी नंबर यानी रीति काल के कवि है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या बोल रहा है, संघनी साहू परिवार किस किन से संबंध था, तो संघनी साहू परिवार जो किन से संबंध था, तो यहां पर 75 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर यानी जयशंकर प्रसाद के यानी संबंध था, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा, तो यहां पर 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोल सकते हैं डी नंबर, डी नंबर में क्या, बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 77 नंबर कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह कथन किसका है, तो यहां पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, तो यहां पर देख लीजिए आप लोग कौन सी कहानी नहीं, तो 78 का राइट आंसर रीच राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, तो कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बोल सकते हो 79 नंबर का, तो 79 का राइट आंसर जल्दी से बोलेगा, डी नंबर नहीं शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो यहां पर 80 का राइट आंसर क्या ए नंबर नहीं क्या होगा, प्रेम की महिमा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर भाग जाना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, काफी इंपॉर्टेंट है पूरी तरीके से आप लोग को देखना, प्रिय होना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद है, तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका राइट आंसर बी नंबर, जगत जोर इस राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओके। अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहा है कि रात का विलोम है, तो रात का विलोम शब्द क्या होता है, 84 का राइट आंसर बी नंबर यानी दिन, रात का क्या होगा, दिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोक का विशेषण बताएं, तो लोक का विशेषण क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर यानी, श्री नंबर क्या है, लौकिक, क्या होगा, लौकिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए पुरुष का विलोम शब्द है, तो पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, स्त्री, पुरुष का क्या, स्त्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, महाजोर उत्सव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद है, तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी समजोर तोष राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, पानी का पर्यायवाची, तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है, इसका राइट आंसर नीर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो बुराई में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका 90 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी आई, आई राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, चक्र पानी कौन समास है, तो चक्र पानी जो है ये कौन सा समास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर है यानी बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, तो दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिन रात कौन समास है, तो दिन रात जो है कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर द्विंद समास है, क्या होगा, द्विंद समास है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत दिन पर दिखाई देना, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अब अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, नया का विलोम होगा, तो नया का क्या होता है, इसका राइट आंसर पुराना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, ग्राम का विशेषण बताएं, तो ग्राम का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 96 का ए नंबर ग्रामीण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, 97 का राइट आंसर ए नंबर, तत्जोर लीन राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर, तत्जोर लीन हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 98 का राइट आंसर डी नंबर राशि यानी शशि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि गले मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी गले मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा फटाफट से, तो यहां पर 99 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी आरोप लगाना, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, 100 नंबर बोला जा रहा है कनक का अर्थ है, तो कनक का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो 100 नंबर का, तो 100 का बी नंबर सोना,